हेलो फ्रेंड, हम बात करेंगे रियलमी सी 15 जिसका नेटवर्क सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो हमें किस तरह से रिपेयर करेंगे। जो रियलमी का क्वालकॉम सी 15 है उसका डायग्राम है, तो आपको एक एक लाइनों को देखना है और समझना है कि कौन सी लाइन पे कितना वोल्टेज आ रहा है और किस लाइन वर्क कर रही है। तो यहाँ से जो पावर, जो PMI से वोल्टेज निकलता है, उस वोल्ट को यहाँ कैपेसिटर पे यहाँ देखेंगे 1.8 और 1.2, यानी कि दो लाइन का सप्लाई है, जो कि 1.8 और 1.2 की सप्लाई है। ये दोनों की दोनों सप्लाई यहाँ पे हमें 1.8 की और 1.8 की सप्लाई मिल रही है। तो इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देखना है आपको और फिर समझना है। स्किप करके वीडियो को ना देखें, यदि ऐसे देखते हो तो वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और यहाँ देखिए कि जो हमारी दूसरा वोल्टेज है, जो कि जो हमारी RFIC या RFIF या 4G IC, इन पे ये वोल्टेज देखने को मिलता है। तो हम इन वोल्टेजों को हम एक एक करके ही ट्रेस करेंगे। ये जो हमारा एंटीना लाइन और जो हमारा 3G का RF लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम एंटीना लाइन को भी ट्रेस करेंगे और यहाँ पे एक 1.8 की सप्लाई, एक 3.7 की सप्लाई को भी चेक करेंगे। यदि ये दोनों सप्लाई ओके हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरी जो लाइन है उसको भी ट्रेस करेंगे, एंटीना लाइन को भी देखेंगे कि एंटीना लाइन हमारी ओके है या नहीं है। यदि हमारी एंटीना लाइन भी नहीं वर्क कर रही है तो भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड, इन डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से समझना है कि कौन से लाइन पे कितना वोल्टेज आ रहा है और कैसे इस पर वर्क किया जाता है। तो मैं हर चीज़ आपको एक एक करके समझाया है। इसमें आप इस बोर्डियो की मदद से आप सब कुछ बना सकते हो नेटवर्क का। तो फ्रेंड, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम चलते हैं और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, थैंक यू।